अभी रिसेंटली एक 23 साल के बॉडी बिल्डर जिनका नाम रायन क्राउली है, उनके साथ एक दुर्घटना हुई जब वो ट्रेन कर रहे थे दुबई में लैरी व्हील्स के साथ। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो के जरिए, और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी देने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप ये वीडियो पूरा देखें अंत तक ताकि आप ऐसे इंजरीज से बच सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो रायन क्राउली एक 23 ईयर ओल्ड बॉडी बिल्डर है फ्रॉम द यूके, और ये यूएई में 7 जैन 2021 को आए थे और ये दुबई में ट्रेन कर रहे थे इन द बीनूस जिम, जो कि बहुत फेमस जिम है और यहां पर बहुत सारे जाने माने बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स आके ट्रेन करते हैं, जैसे बिग रैमी, रायन टेरी, आंद्रे ड्यू, लैरी व्हील्स। उस दिन रायन लैरी व्हील्स के साथ ट्रेन कर रहे थे जो कि एक जाने माने पावर लिफ्टर है। तो वो वीडियो जिसमें रायन की पैक टेयर हुई थी, वो वीडियो तो मैं प्ले नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसी वीडियोस देखकर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है आप जाकर लैरी व्हील्स के इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हो। यहां पर मैं इमेज डिस्प्ले करूंगा एंड मैं उस इमेज के जरिए आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो भी रायन क्राउली एक बॉडी बिल्डर है और लैरी व्हील्स एक जाने माने और प्रोफेशनल वेट लिफ्टर है। तो इन्होंने अपना वार्म अप अच्छी तरीके से कर लिया था एंड बिफोर द जायंट सेट उन्होंने 2 से 3 सेट लिए भी थे। यहां पर इन्होंने 8 से 10 रेपिटेशन मार चुके थे, तो यहां पर उनके ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो गए थे बिफोर द जायंट सेट। तो क्या होता है, जब भी आप वेट उठाते हो आपके मसल में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है एंड योर बॉडी यूजेस द ग्लाइकोजन स्टोर्स टू पुश द वेट। तो जब भी इन्होंने 2 से 3 सेट कंप्लीट कर लिए थे यहां पर उनके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो रहे थे। तो अभी हम समझते हैं रायन का पैक मसल टेयर कैसे हुआ। तो रायन 1 रेप मैक्स ट्राई कर रहे थे विच इज 405 LBS, उसका मतलब 45 LBS के 10 प्लेट्स। अगर आप केजीज में देखो तो वो 205 kg का वेट था। तो जब रायन 205 kg का बेंच प्रेस ट्राई कर रहे थे, जैसे उन्होंने वेट लिफ्ट किया और वो नेगेटिव्स में जा रहे थे, उनका जो ह्यूमरस टेंडन यहां से निकलकर इट टोर द मसल टोर फ्रॉम हियर और वो सेंटर में आ गया। ओके और इसे हम कहते हैं पेक मसल टेयर। और इसे क्या होता है, आप देख सकते हो फोटो में उनका ये जो पार्ट ब्लैक हो गया और स्वेलिंग भी आ गई है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपका पेक मसल टेयर होता है। तो ये जो पेक्टोरिलिस मेजर मसल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है हमारे चेस्ट का एंड इसका फंक्शन होता है हमारे शोल्डर को ऊपर नीचे मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, अक्रॉस मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और हम जब बेंच प्रेस करते हैं, डंबल प्रेस या बेंच प्रेस, तो उसमें भी हमें ये बहुत हेल्प देता है। ये जो पेक्टोरिलिस मेजर मसल है ये हमारे ह्यूमरस टेंडन पे अटैच होता है, यहाँ पर हमारे बाइसेप्स के पास, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अटैच्ड होता है वो, मैं आपको फोटो में भी दिखा दूंगा। एंड ये पेक्टोरिलिस मेजर मसल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द अपर पार्ट इज नोन एज द क्लेविकल हेड, जो हमारे कॉलर बोन के पास होता है यहां पर अटैच्ड है, और इसका लोअर पार्ट इज नोन एज द स्टर्नल हेड, यहां पर अटैच होता है। तो ये दोनों मिलकर ह्यूमरस टेंडन पर अटैच्ड होता है। तो जब रायन क्राउली 205 kg का बेंच प्रेस ट्राई कर रहे थे, द वेट वॉज वेरी हैवी ऑन द नेगेटिव्स और यहां पर इतना स्ट्रेस आया ह्यूमरस टेंडन पर कि वो फट गया वहां से निकलकर इट केम इन द सेंटर। ओके यहां से ब्रेक नहीं हुआ, यहां पर ब्रेक हुआ वो, एंड उसकी वजह से आप फोटो में देख सकते हो स्वेलिंग भी हो गई है एंड वो एरिया ब्लैक भी हो गया है। तो अगर आप अभी रायन क्राउली और लैरी व्हील्स को कंपेयर करोगे, लैरी व्हील्स एक पावर लिफ्टर है, उनका काम है हैवी वेट्स उठाना, तो उनके मसल्स डिजाइंड है और उनके मसल्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स है टू लिफ्ट दैट हैवी वेट, जबकि रायन एक बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर्स डू नॉट लिफ्ट दैट हैवी वेट कंपेयर टू पावर लिफ्टर्स, उनके मसल्स बड़े होते हैं कंपेयर टू पावर लिफ्टर्स, लेकिन उतने फाइबर्स नहीं होते हैं कंपेयर टू द पावर लिफ्टर्स, और इसी की वजह से रायन को वो इंजरी हुई बिकॉज द वेट वॉज वेरी हैवी। और ये काफी अफेक्ट करता है जब आप एक करियर बनाना चाहते हो इन टू बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एस्थेटिक्स ही मायने रखते हैं और रायन का एज अभी सिर्फ 23 है। सो वी प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी। अभी इंजरी तो हो गई, अभी हम समझते हैं विल द पैक मसल हील इट सेल्फ। तो बेसिकली पैक मसल खुद को हील नहीं करता है, आपको एक सर्जरी करवानी पड़ती है और रायन की सर्जरी हो गई है दुबई के एक हॉस्पिटल में, वेर इन द पैक मसल हैज बीन अटैच्ड बैक टू द ह्यूमरस बोन। और कितना टाइम लगता है इसे हील होने के लिए, अगर ये एक माइल्ड इंजरी होती तो इसे 4 to 5 weeks लग जाते हील होने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सीरियस इंजरी है सो इट विल टेक मोर देन 6 मंथ्स
टू हील द मसल. तो अभी चलिए चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू प्रिवेंट पेक्टोरल टेंडन इंजरी एंड फाइनल टेक अवे ऑन दिस टॉपिक. तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप कर लेना चाहिए. मेक द ब्लड फ्लोइंग इन टू दैट मसल एटलीस्ट 2 to 3 वार्म अप सेट्स बिफोर यू गो हैवी. एंड हैवी में आपको 1 rep max ट्राई नहीं करना चाहिए. गो फॉर 6 to 8 रेपिटेशंस विच इज मसल बिल्डिंग रेप्स. मतलब उस रेप्स में मसल बिल्डिंग होता है. ईगो लिफ्टिंग मत करना. आई वुड नॉट सजेस्ट ईगो लिफ्टिंग. अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हो किसी के सामने दिखावा करने के लिए, आप हैवी वेट्स उठाते हो, सो दिस माइट लीड टू इंजरीज एंड प्रॉब्लम आप ही को होगी. दूसरा पॉइंट है, मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग एडेक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अगर आप जिम जाते हो, ट्रेन करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, मेक श्योर यू कंज्यूम प्रोटीन. उससे क्या होता है, प्रोटीन आपका जो मसल ब्रेकडाउन हुए हैं वाइल ट्रेनिंग वो बिल्ड करता है एंड द टिश्यूज रिपेयर इटसेल्फ इफ यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन. तो प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अपलोड करते हैं ऑन फिट बॉडी प्रोडक्टिव माइंड्स, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन सच इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स. तो इसके बाद वाला पॉइंट यहां पर है, यू शुड एटलीस्ट टेक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. ये आपकी रिकवरी में बहुत मदद करेगा. एंड मेक श्योर जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो, कीप अ गैप ऑफ 48 आवर्स, 2 दिन का गैप रखना, विच डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट इन मसल रिकवरी एंड आपके मसल्स ग्रो भी होंगे इससे. और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना, किसी को दिखाने के लिए हैवी लिफ्टिंग मत करना, इससे इंजरी आप ही को होगी. और जब भी आप बेंच प्रेस करते हो, जब भी आप नेगेटिव्स में जाते हो, मेक श्योर यू गो स्लो. ज़्यादा जल्दबाजी में हैवी हैवी मारने मत जाना. इससे क्या होगा, क्योंकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है एट द सेम टाइम, तो आपका मसल इज प्रोन टू इंजरी. मेक श्योर यू टेक केयर व्हाइल यू आर डूइंग बेंच प्रेसेस. वेट वही उठाना जो आप हैंडल कर सकते हो एंड गो फॉर 6 to 8 रेपिटेशंस. 1 rep max ज्यादा मत ट्राई करना इफ यू आर नॉट यूज्ड टू डूइंग 1 rep max. तो इस वीडियो का टेक अवे यही होगा, डू नॉट डू ईगो लिफ्टिंग. ईगो लिफ्टिंग मत करना. डू नॉट गो फॉर 1 rep max. गो फॉर 6 to 8 रेपिटेशंस. टेक एडोक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अच्छी नींद लेना. 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी. 2 days का गैप रखना बिफोर द नेक्स्ट कंपाउंड लिफ्ट्स. और एंजॉय करना अपना वर्कआउट. एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी. अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना. हाँ रुका हूँ मैं, लाइक कर दो वीडियो को. आप लाइक कर दो यार, रुका हूँ मैं, लाइक कर दो. अरे अभी तक नहीं किया, लाइक कर दो यार. तो अभी हमारे चैनल पर एडवांस डाइट और मील प्लानिंग का कोर्स चालू होने वाला है इस वीक से, तो मेक श्योर आप चैनल पर बने रहे. नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पर बटन पर दबा देना और उसके बाजू में ऑल नोटिफिकेशन है उस पर भी जरूर क्लिक करना, ताकि आप वो वीडियोस मिस ना करें. तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल.